श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। तो अभी जो हमारा श्लोक चल रहे हैं उसमें जो अर्जुन का सवाल था कि स्वधर्म अगर इतना सरल है, सत्य के साथ चलना इतना आसान है, तो फिर लोग क्यों नहीं समझते। तो उसी बात को अभी यहाँ तक कृष्ण समझा रहे हैं कि कामना ही है जो इंसान को ऐसा करने से रोकती है। ठीक है, तो जो आज का श्लोक है, इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कहे जाते हैं। इनके द्वारा ज्ञान को ढक कर यह काम जीव को मोह लेता है। जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, ये कामना के आश्रय स्थल कहे जाते हैं, क्योंकि कामना इन्हीं से आश्रय लेती है और इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। ठीक है, तो ये ज्ञान को ढक लेते हैं, लेकिन शायद ये इतना सत्य नहीं है। एक चीज़ और होता है जो इसमें मेन काम करता है। इंद्रियां तो अपना काम करती हैं, उनकी भी कुछ कामनाएं होती हैं, ये तो हमने पहले ही सीखा है, जाना है कि प्रकृति में जो भी है, ये शरीर भी प्रकृति है और इसका एक प्राकृतिक गुण होता है, जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं और इन 3 गुणों के आधार पर ये काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो जन्म से ही इंसान के अंदर आ जाता है, वो होता है अहंकार, जो मैं होता है। और ये जो मैं होता है ना, जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो वो फिर सब पे राज करने लगता है, मतलब सबको अपना समझने लगता है। जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, वो सब उसकी ग़ुलाम हो जाती हैं और वो सब फिर उसके हिसाब से चलना शुरू कर देती है, या कहे कि उनके हिसाब से अहंकार चलना शुरू कर देता है। तो एक चीज़ ये समझना है हमें यहाँ पे कि इसी वजह से इंसान सब कुछ जानते हुए भी कामनाओं के पीछे भागता रहता है, कभी उसकी कामनाएं ख़त्म नहीं होती हैं। और इसी तथ्य को जान लेना कि हमारी कामनाएं कभी पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, ये समझने के लिए अगर हमें समझा जाए तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब हम अंदर कुछ सोचते हैं, मन हमारा जब कुछ निर्माण करता है, जैसे कि हमें कोई घर बनाना है, तो पहले हमारे मन में निर्मित होता है कि हमें ऐसा घर बनाना है, ऐसी जगह लेना है, ऐसा चीज़ें करना है, तो फिर बुद्धि उसके अनुसार ढूंढना शुरू कर देती है, कच्चा माल बनाना तैयार करना शुरू कर देती है। और वो उसका काम है कच्चा माल तैयार कर करके लाना। तो मतलब क्या है कि जो बाहर हो रहा है वो आपके भीतर से निर्मित हो रहा है, वो आपके भीतर का ही प्रक्षेपण है जो बाहर हो रहा है। और ये इसे और अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मन के अंदर हो रहा है वही बाहर कच्चा माल होता है, लेकिन अगर इंद्रियां ना काम करें या इंद्रियां काम करने में सक्षम ना हो तो भी मन निर्माण करता रहता है। लेकिन ये अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, एक चीज़ पूरी होती है तो दूसरे का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो ज्ञान की बात की जाती है कि ढका हुआ रहता है, तो अहंकार को छोड़ना है, तो पहली बात तो अहंकार वास्तव में कुछ है नहीं। जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, इन्हीं से वो तैयार होता है, विषय और विषयता है, वही मिलकर अहंकार उन्हीं से बनता है। तो यहाँ पे हम अहंकार को छोड़ने की बात नहीं करते, यहाँ पे हम निष्काम कर्म की बात करते हैं। मतलब अगर हमने निस्सारता समझ लिया या उसका ये समझ लिया कि जो कामना के पीछे हम भाग रहे हैं उससे कामना हमारी पूरी नहीं हो रही है, और ऐसा मतलब अंदर फिर भी खालीपन ही है, चाहे हम कितना भी उसे भरने की कोशिश करें वो हमेशा खाली ही रहता है, अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तभी आदमी निष्काम कर्म कर सकता है और तभी वह स्वधर्म भी कर सकता है। उसी को स्वधर्म भी ही बोला जाता है, निष्काम कर्म को। तो इस तरह से समझते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और मेन चीज़ है कि अगर हम बात करें कि जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, गुलाम बना लिया और वो अपने हिसाब से ही चलाने लगे हमें, उसी तरह से अहंकार भी इंद्रियों, मन और बुद्धि का राजा बन जाता है और उनसे वो गुलामी करवाता है, उनसे वो सब कुछ करवाता है जो वो करना चाहे या ना करना चाहे, उनके लिए वो फिर दासी की तरह हो जाती है। लेकिन यही अहम जब आत्मस्थ हो जाता है तो फिर वो सब प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है और उसका ज्ञान होना ही यही कहलाता है कि अपने आप को जान लेना कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये जो मैं बना बैठा है ना, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए ही ज्ञान है, और ये जब हट जाता है तो ज्ञान अपने आप अपना काम करने लगता है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है और जैसा कि मैंने समझा है, जाना है, उस तरीके से मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग भी अगर कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं तो
कहिए क्योंकि शायद दर्शकों को हमारे किसी की बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो अहंकार होता है वो विषय और विषयता से ही उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही बात की गई है कि जब भी बात करी जाती है कि अपने अहंकार को देखो, अपने अहंकार को देखो किस तरह हमें नचा रहा है, तो आम आदमी या फिर कोई भी हो समझ ही नहीं पाता कि अहंकार होता क्या है, अहंकार कहाँ है। अगर कोई आपको बोले कि निष्कलम हो जाओ, जैसे मैंने ये कलम पकड़ के रखी है, मैं बोलता हूँ कोई बोलता है निष्कलम हो जाए, तो मुझे दिख रही कि ये कलम मैंने पकड़ के रखी है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं निष्कलम हो गया। लेकिन जब बोला जाता है कि निष्काम हो जाओ, तो इंसान को व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसे छोड़ना क्या है, क्योंकि अहंकार तो कहीं दिखता ही नहीं है, अहंकार तो कहीं है ही नहीं, अभी आपने बात करी है। तो यही बात है कि जिस तरीके से मान लीजिए, एक और उदाहरण है कि कैसे अहंकार नहीं होता, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक अमीर आदमी है, क्या वो इसलिए अमीर है कि उसके पास पैसा है? अगर वो पैसा उसे छीन लिया जाए तो क्या वो अमीर रहेगा? यानी वो उस पैसे के कारण अमीर है, वो अमीर है इसलिए उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसे के कारण अमीर है। पैसा है तो वो अमीर। जी पैसा है तो वो अमीर है, अमीर है इसलिए पैसा नहीं है, पैसा है तो अमीर है। उसी तरीके से जो अहंकार होता है वो विषय से ही जुड़ा होता है, जैसे कि अहंकार कभी ये नहीं बोलेगा कि ये संसार भी मिट जाए, ये पूरी दुनिया मिट जाए तो भी मैं रहूँगा, क्योंकि अहंकार विषय से ही होता है और इस संसार से ही होता है। अगर उसके पास कोई विषय नहीं है तो अहंकार नहीं हो सकता है, और यही कारण है कि हम बाहर भागते रहते हैं। अहंकार को देखा होगा आपने कि हम हर चीज़ को पकड़ने की, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, और बड़ी जल्दी ही हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हमको उसकी आदत लग जाती है, क्योंकि अहंकार को ये ज़रूरत है, अगर उसको बने रहना है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उसको पकड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि वही उसकी विशेषता है। देखिए अगर वो ये कर रहा है तो बुराई इसमें नहीं है, बुराई ये है कि वो जिस उद्देश्य से कर रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। अहंकार देखिए जो हमारे भीतर होता है हमारा, आपने जैसा कि कहा कि हमारी बुद्धि उसकी सेवा करती है, हमारा मन उसका सेवा करता, यानी हमारा पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि भीतरी शोषण होता है। लेकिन अहंकार हमारा शोषण तो करता, मतलब कि हमारे संसाधनों का प्रयोग तो करता है, पर हमको मिल क्या रहा है? मिल तो अहंकार को ही रहा है, मतलब हमारी जो बेचैनी है वो क्या दूर हो जाती है? अगर हमारी बेचैनी दूर हो जाए तो हम दूसरी चीज़ को पकड़े क्यों, एक ही चीज़ से हम शांत हो जाएं? तो यही है कि हमें देखना होगा, जानना होगा कि अहंकार हमें कुछ नहीं दे रहा, और ये जानना ही अहंकार से मुक्ति का साधन है, कि हमें बाहर से कुछ शांत नहीं कर सकता। शांति जो है वो हमारी भीतरी है, अगर हम स्वयं को जान जाएं तो शांति अपने आप मिल जाएगी। और यही चीज़ समझ में आई मुझे तो, और एक चीज़ ये समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति का शोषण कोई बाहर से नहीं कर सकता है, उसके अंदर की जो कामना होती है, उसके अंदर का जो डर होता है, वही उसका शोषण करवाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई आदमी कहीं जॉब करता है, उसे उसकी जॉब पसंद नहीं है, उसका बॉस जो है उसके ऊपर दबाव डालता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो वो बाहर निकल कर अपने दोस्तों से वो करता है, क्या बोलते हैं, बताता है कि मेरा बॉस इतना स्ट्रिक्ट है, मैं मजबूर हूँ उसके सामने। लेकिन अगले दिन उसको पता चले कि उसके किसी रिश्तेदार ने उसके लिए 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, तो आप मुझे बताइए क्या उसका बॉस उसको दबा पाएगा? अब उसका बॉस उसको नहीं दबा पाएगा, वो चाह के भी उसको नहीं दबा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कामना जुड़ी थी वहाँ से। कामना क्या थी? कि पैसे की कामना थी, कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ गई मेरी तो फिर मेरे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। लेकिन जब उसको पता चल गया कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं, अब मुझे इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बॉस चाह कर भी उसका फ़ायदा उठा सकता है? तो इंसान का फ़ायदा भी तभी उठाया जाता है जब या तो हमारे अंदर कामना हो या तो डर हो, और डर और कामना भी एक ही चीज़ है। कामना यह है कि ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, और डर ये है कि ये चीज़ मुझसे छीन नहीं जानी चाहिए। बात और तो डर है तो ही कामना है ना, उसको अधूरेपन का डर है, उस डर है, उसे पूर्णता चाहिए, इसलिए कामना है। तो यही है कि हमारा शोषण जो होता है वो किसी बाहरी कारण से नहीं होता है। जो लोग रोते हैं कि हमारा इसने शोषण कर लिया, इसने हमारे साथ बुरा कर दिया, करने के बाद हमें लगता है, लेकिन जब वो चीज़ हो रही होती तो कहीं ना कहीं हमारा डर, हमारी कामना उस चीज़ से जुड़ी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक कंपनी आई, हमें बेवकूफ़ बना के चली गई, हमारा पैसा लूट के ले गई, तो आप देखिए क्या वो आपके घर में ज़बरदस्ती घुस के आपका पैसा ले गई, आपको उन्होंने कुछ कामना दिखाई, और आप उस कामना में इतने अंधे हो गए कि आपने जाँचा भी नहीं उस चीज़ के बारे में, जाँच भी नहीं की, पता भी नहीं किया कि क्या ये बात सही भी है, ये फैक्ट सही भी है। आप तो बस अंधी कामना में दौड़ते रहे, और फिर आपका जब पैसा चला गया तो आप कंपनी को दोष देने लगे, चीज़ों को दोष देने लगे। दुनिया तो बैठी है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए,
ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेवकूफ़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और यही डर और कामना के ऊपर डिपेंड करता है। ये मुझे समझ में आया आप लोगों ने बताया, वो बहुत सही बताया इस तरीके से, है ना। जो कामना होती है उसी के अंदर जो ज्ञान है वो ढका रहता है, यही श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है बुद्धि, मन और इंद्रियों की, और ये तीनों ही बहुत सूक्ष्म हैं। मतलब ये इतना जल्दी समझने वाली चीज़ नहीं है, ये समझ में ही नहीं आएगा हम लोगों को जब तक हमें अपना अहंकार नहीं समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि जो भी कर रही है वो प्रक्रिया तो स्वतः हो रही है, मतलब प्रकृति में ये सब चीज़ें स्वतः हो रही है। लेकिन ये जो हमारा अहंकार अंदर बैठा हुआ है, ये क्या बोलता है, ये क्या सोचता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। एक मैं आता है ना, मैं पूछूँ कि आप कौन है, बोले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं मतलब इधर अंदर साइड में जाता है ना, छाती में। मैं ये नहीं बोलता कि ये टी शर्ट हूँ, मैं छाती हूँ, मैं मतलब क्या। लोगों को ये समझ, किसी को नहीं समझ में आएगा कि मैं मतलब क्या। मैं तो बोल देता हूँ लेकिन मैं माने क्या। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये माइक है, तो हमें पता ही माइक है, इसे माइक दिख रहा है ना, इसका माइक का आकार है। लेकिन मैं मतलब मेरा तो कुछ आकार ही नहीं है, मैं मतलब हड्डियों का ढांचा, मैं मतलब क्या, है ना। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जो होता है ना अहंकार, वो सब पे राज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अपूर्ण दिखाता है अंदर से, और अपूर्णता से ही कामना उत्पन्न होती है। सीधी बात है, कामना का संबंध किससे है? अपूर्णता से। और अपूर्णता से कामना उत्पन्न होती है, मतलब हमारे अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जो हमारा मन है वो जब बोलता है कि ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही, हमारे अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, वो ये मन बोल देता है कि मैं कर रहा हूँ। अब जब मैं कर रहा हूँ तो इसको पूर्ण होने के लिए सब कुछ चाहिए, ये बोलता है सब कुछ ला दो मेरे लिए, है ना। और ये किसके माध्यम से कराता है? अब मैं तो कुछ है नहीं अंदर, है ना, एक अदृश्य चीज़ है जो दिखती नहीं है। तो ये किससे काम करवाता है? ये बुद्धि, मन और इंद्रियों से काम कराना शुरू करता है। कैसे? इंद्रियां क्या होती है? मन के लिए बाहर विषय तैयार करती है, है ना। विषय मतलब कच्चा माल तैयार करती है इंद्रियां, है ना। कि जैसे दीवार देख लिया या कोई पदार्थ है, उसे ये इंद्रियां लाकर देती है। इंद्रियां मतलब सब कुछ हो गया ना, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये पूरा शरीर इंद्रियां हो गया हमारी, मन बुद्धि, है ना। अब ये इंद्रियों से अहंकार क्या काम करवाता है? कि विषय तैयार करवाता है, ठीक है। अब मन क्या करता है? उन विषयों में गुण पैदा कर देता है। मतलब ये विषय तो है लेकिन ये मेरे किस काम के हैं, किस काम के नहीं है, ये गुण पैदा करना मन का काम होता है, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में बुद्धि क्या करती है? उस वस्तु को, उस विषय को पाने के लिए, हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ किया जाए, ये बुद्धि करती है। कच्चा माल तो इंद्रियां तैयार करती है, बुद्धि उस चीज़ को हासिल करने में मदद करती है। कच्चा माल तो इंद्रियां तैयार कर दी, मन ने उसमें गुण डाल दिया, अब क्या बुद्धि उसे हासिल करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देती। बस इतना ही है मेन काम। और ये करवा कौन रहा है? अहम करवा रहा है ना। तो अहम कभी पूर्ण होता ही नहीं है, वो हमेशा अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है। और वो अधूरा रहता है तो उत्पन्न करता है कामनाएं, है ना, इसे पाने की कामना, उसे पाने की कामना, क्योंकि वो अंदर से एकदम अपूर्ण है। हर वक्त वो हर चीज़ों में राज करना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि सब चीज़ें मैं करा रहा हूँ, इनका मालिक मैं हूँ। और जब इनका, हम बोलते हैं ना मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये घर बनाया, इंद्रियों ने विषय तैयार कर दिया कि घर है, ठीक है, मन ने उसमें गुण डाल दिया कि हाँ ये घर में रहूँगा, इस घर में मैं ये करूँगा, इस घर में इस तरह से रहूँगा, तो ये गुण आ गए उसके अंदर कि हाँ अब मेरे को चाहिए, इस चीज़ के लिए गुण आ गया, है ना। अहंकार ने बोला कि हाँ मुझे ये चाहिए, और बुद्धि ने उसको हासिल करने के तरीके ढूंढ दिए, तो ये तीनों का काम हो गया। तो इसी तरीके से जो हमारी कामनाएँ होती है वो बढ़ती जाती है, और ये कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, कुछ भी भोग ले, कितना भी चीज़ें, मतलब कितना भी उपभोग कर ले, लेकिन ये कभी संतुष्ट होता ही नहीं है अहंकार, क्योंकि हमें पता ही नहीं मैं माने क्या, हम कौन हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मैं कौन हूँ। पर इस सवाल के लिए हम, इस सवाल को छोड़ के हम क्या करते हैं, बाकी सवालों के पीछे पड़े रहते हैं, वो सब छोटे सवाल हैं। सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे, और जब तक हम कामनाओं के पीछे भागेंगे तब तक हमारे अंदर अपूर्णता रहेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके हम पूर्ण हो ही नहीं सकते।
चलो मैं बोल देता हूँ कि मन बोल रहा है ये चीज करो, और उसके बाद अगर मैं पूर्ण हो जाता हूँ तब तो ठीक है, ये अहंकार ठीक है, अहम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी चीज़ की कामना हो जाती है, दूसरा विषय तैयार होने लग जाता है, एक विषय को पाने के बाद दूसरा विषय। तो हमें विषयों को पा के पूर्ण नहीं होना है, बस भोगना है। अहंकार क्या बोलता है, मुझे सबका मालिक बनना है और सबको भोग लेना है बस। इसके लिए मैं क्या है वो दूसरों से जुड़ता है, मतलब कि मैं खुद तो कुछ हूँ नहीं, है ना, तो दूसरों को जुड़ के, दूसरों से जुड़ के मैं अपना एक आधार बनाना चाहता हूँ, एक अपना स्थायित्व तो करना चाहता हूँ। जो मैं होता है ना, ये जो अहंकार होता है, इसकी हमेशा अभिलाषा है दूसरों से जुड़ने की, एक स्थायित्व तो प्राप्त करने की, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं खुद में, बस ये बना बैठा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं है अपने आप में। ये प्रक्रिया सब हो रही, लेकिन अहम बोलता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। बस इसीलिए हम सबके पीछे भागते हैं, इससे जोड़ने के पीछे भागते हैं, क्योंकि मैं अधूरा है, बस सीधी बात है, है ना। तो ये अपने आप को पूरा होना चाहता है और पूरा कभी हो नहीं पाता है, इसीलिए हमें ये जो कामनाएं करता रहता है उससे ज्ञान से हमें दूर रखता है ये हमेशा, है ना। क्योंकि हम ज्ञान ले लेंगे तो ये अहंकार मिट जाएगा, मैं मिट जाएगा, और जब मैं मिट जाएगा तो फिर हम रिश्ते किससे बनाएंगे, नाते किससे जोड़ेंगे, है ना, लगाव किस वस्तु से रखेंगे। तो हमें ये सब चीज़ों से डर लगने लग जाता है अंदर, जैसा भी बताया गया ना कि डर उत्पन्न होता है, और ये डर ही हमें ज्ञान से दूर रखता है, ज्ञान नहीं लेने देता। तो जैसा हम सबने अभी यहाँ पे समझा जाना कि दृष्टि बुद्धि मन में ही काम आश्रय पाता है, ये कामना अगर ये सब चीजें ना हो तो वो आश्रय ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये सब है इसलिए वो आश्रय पाता है, और काम के ही अधीन हो ज्ञान ढक सा जाता है, मतलब ज्ञान को ढक लेता है ये सब। अगर ये सब हट जाए या हम इन्हें जान लें तो ज्ञान खुल जाता है, ज्ञान ही ज्ञान है, फिर तो हम ये समझना है, और वही निष्कामता हो जाती है, और यही अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें ये समझना होगा। देखिए उदाहरण तो कई हैं और हम अपने आप में प्रयोग भी कर सकते हैं कि जिस वस्तु की कामना जब हमें मन से हो जाती है, भले हम उस वस्तु को नहीं जानते हैं, देखा है आपने कभी कि हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कहीं से कामना आ गई, और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारी बुद्धि जो होती है, जो हमारी बुद्धि बहुत प्रबल है, बहुत तेज है, कि वो फिर हमें वैसी ही चीज़ें दिखाना शुरू करती है। कभी देखा है, जैसे आपने कभी एक गाड़ी की कामना की, कहीं से आपने देख लिया, कहीं से आपके दिमाग में आ गया, कहीं से आपको कुछ भी ऐड वगैरह में दिख गया, एक बार कोई कपड़ा है, कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपको सिर्फ वही चीज़ दिखेगी, वो बुद्धि फिर उसके अलावा कुछ और आपको दिखाएगी नहीं। ये भी बहुत बड़ा तथ्य है, और इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब भी हमारे अंदर कुछ भी होता है वो हमें बाहर कैसे दिखना शुरू होता है, अगर वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, हमारे अंदर नहीं आएगा ना वो चीज़, हमें बाहर कुछ भी हो जाए हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर आया वैसे ही वो बाहर हमें हर जगह दिखना शुरू हो जाता है जी। ताकि हम उसे ले सके, पकड़ सके, क्योंकि यही बुद्धि का काम है, हासिल कर सके। बुद्धि का काम यही है कि वो हर चीज को आप तक पहुंचाने में मदद करती है, हासिल करने। आप एक बार उसे बोलो कि क्या चाहिए, और वो आपकी इतनी वफादार नौकर है अगर सोचा जाए तो, कि वो सब लाके देगी जो आपने कामना की है, वो कभी नहीं रुकेगी। पूरी कोशिश पाताल से ढूंढ के लाना, आसमान आकाश से ढूंढ के लाना, जमीन में कहीं भी होगा वो उसे लाएगी। तो आजकल इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, जो ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि आप कामना करो, आप उसको विजुलाइज करो, आप उसको लिखो, आप भागो, मतलब हमें और भगा रहे हैं, और ये बुद्धि तो भागने का काम ही कर रही है, और ये कभी नहीं रुकेगी जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये जो आप विजुलाइज कर रहे हो, जो ये आप कामना कर रहे हो, वो आपको चाहिए क्यों, उसका आवश्यकता क्या है, है ना। और जैसे ही हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, यही ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर बताया गया कि कामना को जान लेने से हमारा अहंकार मिट जाएगा, तो इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है वो सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो उसके मन में ये बात तो कहीं ना कहीं है कि इंसान इससे मरता है, और उसको 100% क्लियर नहीं है ये बात, और कैसे मरता है, सब लोग नहीं मरते, उसके मन में ये बात बसी हुई है, तो इसलिए वो सिगरेट पीता है। अगर हम उसको बोले कि तू एक जहर पीले से बहुत नशा होगा तो क्या वो पिएगा, क्योंकि उसको पता है कि जहर पीते ही तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर दे सिगरेट के बारे में, कि सिगरेट जो हम पीते हैं उसका जो धुआं होता है वो हमारे फेफड़ों में जाके क्या करता है, और आज भले ही हमको मज़ा आ रहा है,
आज भले ही हमको इसको पी के मज़ा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हमारी सिगरेट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे हमारा फेफड़ा ख़राब होता जाएगा और हम और हमारी एज जो है वो 20 से 25 साल कम हो जाएगी, साथ ही साथ हम बहुत सारे कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं अगर वो ये चीज़ देख ले, अच्छे से देख ले, धीरे धीरे खुद ही वो उस चीज़ से दूरी बनाना शुरू कर देगा। छोड़ना भी हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि हम किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसको और पकड़ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप हाथी के बारे में मत सोचिए, तो क्या आपने हाथी के बारे में नहीं सोचा? आपने सोचा तो हाथी के बारे में, मैंने बोला आप मत सोचिए। हमारा जो ये दिमाग होता है ये हाँ और नहीं में नहीं सोचता, ये पेंटिंग्स में चित्र से सोचता है, यानी कि ये शब्दों को चित्र में सोचता है। जैसे मैंने सेव बोला तो आप सेव समझेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ सेव के बारे में मत सोचो, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं सोचो, आप तो सोचेंगी तो सेव के बारे में ही, मैंने कहा मत सोचो पर आप फिर भी सोच रही हैं। तो यही है कि जब हम छोड़ने का प्रयास करते हैं चीज़ों को, तो दिक्कत यही होती है कि छोड़ने का प्रयास तो हम बाहर से कर रहे हैं पर अंदर हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो यही है कि अगर हम उसके बारे में जानकारी ले लें तो हमारे मन से एक ऊब उठती है कि इस चीज़ ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, ना इसे छोड़ना है ना इसे पकड़ना है, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो इंसान फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सिगरेट के बारे में वो उसके मन में जो होती है वो भावना, नकारात्मक भावना बैठती जाती है कि अगर इसको मैं पीऊँगा तो मेरी ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद होगी, तो फिर वो उस चीज़ को ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ गायब हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर हम धीरे धीरे जब हम कामना को जानेंगे कि आज तक हमने इस कामना के लिए इतना कुछ किया, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा कमाया, जो जो उसने कहा वो किया हमने, लेकिन आज तक हमारी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई, और अगर ये चीज़ हमने नहीं छोड़ी तो हम इस दुनिया की सबसे आनंदित चीज़, सबसे आनंद वाली चीज़ जो है ज्ञान, उससे हमको वंचित रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर अहंकार है तो ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कबीरदास ने कहा था कि जब हरि था तब मैं नहीं और जब मैं था तब हरि नहीं, यानी या तो आप अहंकार को, कामना को ले लीजिए, या आप सत्य कृष्ण को ले लीजिए। तो यही है कि परम आनंद से हम दूर रह जाएंगे। तो ये अगर आदमी को समझ में आ जाए तो फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ पाएगा। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि बस जान लेना ही पर्याप्त होता है, और अच्छे से जान लेना, ये नहीं कि हमने बाहर से जान लिया, उसको अंदर तक जान लेना, और वो प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं कि एक ही पल में आपको सब समझ में आ जाएगा। बस यही है कि आप सही जगह इलाज करवाइए, आपका इलाज एक दिन ज़रूर होगा, बस इलाज सही जगह होना चाहिए। तो हमने समझ लिया, जान लिया कि एक ही चीज़ है ज्ञान, जानना, सब कुछ जानने से ही समाप्त होगा, बिना जाने कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी हमें हो रहा है, तकलीफ़ हो रही, परेशानी हो रही है, तड़प हो रही है, तो उसे बस जानो कि ये क्यों हो रहा है ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इतना कुछ पाया तो भी मिट क्यों नहीं रहा है, ये जब समझ लेते हैं। और ये जो द्वैत कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है प्रकृति को द्वैत, कि जब तक ये द्वैत नहीं होगा तब तक अहंकार, मतलब द्वैत है तो ही अहंकार है, अगर दो है तो अहंकार है, विषय और विषयता है तो अहंकार है, अगर आत्मा है, सत्य है, तो वो एक, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा हमेशा शाश्वत सत्य, वो कुछ ना रहे तो भी वो है जी, है ना। लेकिन अहंकार अगर कुछ ना रहे तो है ही नहीं जी। तो इसीलिए द्वैत चलता है, और अद्वैत में जाने का रास्ता ज्ञान से ही है, सब कुछ ज्ञान से ही है, अगर है ना, आत्मज्ञान जिस दिन आप जान जाते हो अपने बारे में, उस दिन अद्वैत लाइफ आपकी शुरू हो जाती है जी। इसी को बोलते हैं, और जब तक अज्ञान है तब तक द्वैत है, अहंकार है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यही सब समझने का है, और गीता से हमें ये सब चीज़ें समझ में आती है, और ये शायद गीता के अलावा कोई और हमें नहीं समझा सकता, क्योंकि बाकी ज्ञान हमें बाहर की दुनिया दिखाता है। आप जितना भी बाहर का ज्ञान, मतलब जितनी भी पुराण पढ़ लो, जितनी भी चीज़ें कर लो, वो हमेशा द्वैत की ही बात करता है, उसमें दो हमेशा होते हैं। लेकिन सिर्फ गीता है, उपनिषद है, वेद है, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अद्वैत लाइफ ले जाते हैं, जो आपको आत्मा से परिचय कराते हैं, जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ये सीधे आपके ऊपर वार करते हैं, है ना, ये किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं। हर चीज़ ये कहेगा कि आप यहाँ से ऐसा कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये धागा बांध लो तो आपको आगे चल के ऐसी शांति मिल जाएगी, लेकिन एक आत्मज्ञान ही ऐसा है जो तुरंत आपको रिलीफ देता है। जैसे ही आपने जाना उसी पल आपको आराम मिलता है, उसी पल मुक्ति मिलती है, कोई न भूत न भविष्य न कुछ भी, प्रेजेंट ही है सब कुछ जी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ
कि आप सब लोगों को भी इसी तरह से समझ में आ रहा होगा जैसे हम बातें कर करके समझ रहे हैं। और हमारी बातें सुन के आप भी अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, समझिए, जानिए, जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ सवाल कीजिए, देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, बाहर क्या है, ये सब जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान से ही पूर्णता मिलती है, बिना आत्मज्ञान के पूर्णता नहीं है, फिर तो वही अधूरापन है और भागते रहो पूरी ज़िंदगी किसी न किसी के पीछे जी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सवाल हो तो क्वेश्चन ज़रूर करें, हम आपके क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।